बात हम करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अपडेट से जुड़ी हुई एक खबर के साथ में, क्या मूवमेंट है उनकी वो आपको बताते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जवाहर सर्किल पहुंचे। प्रदेश के मुखिया फिटनेस के प्रति काफी गंभीर हैं, आमजन में वो लगातार एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को लगातार भजन लाल शर्मा बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये भजन लाल शर्मा की हैं, जब वो जवाहर सर्किल पहुंचे वॉक के लिए। प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा फिटनेस के प्रति जागरूक रहते हैं, आमजन में वो मैसेज देने का हमेशा प्रयास करते हैं। जवाहर सर्किल वो पहुंचे हैं, इससे पहले जब वो भरतपुर गए थे उन्होंने वहां पर पहुंचकर मॉर्निंग वॉक किया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, एक यूथ को मैसेज दे रहे हैं कि आप फिट हैं तभी इंडिया हिट है। और उसी प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार फिटनेस का एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं पर भी अगर जाते हैं, रात्रि विश्राम के लिए भी जाते हैं, तो सुबह उठकर जरूर मॉर्निंग वॉक करते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं कई बार। और आज जवाहर सर्कल पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया फिटनेस के प्रति गंभीर। विष्णु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। विष्णु, जवाहर सर्कल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, क्या अपडेट्स हैं, किस बाबत जवाहर सर्कल पर पहुंचे हैं? और क्योंकि लगातार वो फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं, फिटनेस को लेकर हमेशा यूथ को जागरूक करते हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा फिट इंडिया जो मूवमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया देश भर में, उसको लेकर जागरूक है। और न केवल खुद जागरूक है बल्कि लोगों को प्रेरणा भी देते हैं, उनको समझाइश करते हैं। पिछले दिनों देखा हुआ कि जो तेज सर्दी थी उस सर्दी के बावजूद वो मानसरोवर पार्क में गए थे, सिटी पार्क में, और वहां उन्होंने भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की थी। अब आज यहां पर जवाहर सर्किल पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, साथ में विभिन्न जो चर्चा है वो कर रहे हैं प्रदेश के लिए। और क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने ओटीएस परिसर आवास में भी रोजाना वॉक करते हैं, यानी जो उनका फंडा है कि वो स्वस्थ रहे और औरों को भी यही मंत्र देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज वो निकले हैं और सब लोगों से मुलाकात हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है, लगातार रोज नहीं निकल सकते बाहर इस तरह के सार्वजनिक पार्कों में, लेकिन जब भी मौका मिलता है मुख्यमंत्री बाहर सार्वजनिक पार्कों में जाते हैं। भरतपुर दौरे पर गए थे, वहां भी उन्होंने अपने गांव में वॉक की थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री फिट इंडिया मूवमेंट के जो उसके ऊपर तो खरा उतर ही रहे, साथ में लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक्टिविटी है सुबह की उसको मॉर्निंग वॉक जरूर करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। ये एक संदेश, बड़ा संदेश भी यहाँ पर है। जी ठीक है विष्णु, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जो आप जानकारी दे रहे उसके तहत एक बात तो बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा फिट रहने का लगातार